जी हनीफ शेख साहब, क्या कहना चाहते हैं? हाँ कुरान वाला जी, आदाब जी। जी आदाब, क्या कहना चाहते हैं? जी बस आपका मौजूद, आज मैंने जो सुना कि इस्लाम तलवार से फैला हुआ है, और इसके आपने उसके दलील के लिए बहुत सारी बातें की है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 13 साल मक्का में, आप हमेशा इस बात को कोड करते रहते हो कि मक्का में 13 साल ना जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मक्का के काफिरों ने नहीं सुनी, और उनको उनका मिशन अभी उनकी बातों में कोई अट्रैक्शन नहीं था ना, 13 साल तो फेलियर रहा उनका। सही, हाँ जी, वो फेलियर मान लो, तलवार उठानी पड़ी, तलवार कामयाब हो गई जी जी, पहले तो लेकिन उनको हाँ, तो आप तो बाद में जो रसूल सल्लम को हिजरत करना पड़ा मजबूरन, वो वहाँ गए तो उनको उसी टाइम पे वहाँ से निकलना पड़ा ना, फेल हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपका इंटरप्रिटेशन में थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैं चलो उसका बहुत ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि मजबूरन उनको मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा, और मक्का के मुकाबले में मदीना वाले, आपको आपका तो स्टडी है, तो क्या मदीना वाले मक्का वाले से बढ़ के मजबूत, यानी बहुत वो लोग बहुत मजबूत थे मक्का वालों को सामने टक्कर लेने के लिए? मदीना वालों को इंसेंटिव मिला था ना, मदीना वालों को जो है ये बताया गया था कि तुम मेरा साथ दोगे तो तुमको ये फायदे होंगे, माशी फायदे होंगे, सियासी फायदे होंगे, तुमको जो है माल गनीमत मिलेगा, तुमको जो है लौंडियां मिलेंगी, तुमको जो है माल वसबा मिलेगा माल गनीमत के तौर पर, ये था असल में। नहीं ऐसा कि जाते के साथ, वो जाते के साथ ऐसी बातें सब लगे ना भी, दो साल इसी काम में लगे ना, दो साल लोगों को उनकी उनको हम ख्याल बनाने, उनको जो है इस नई आइडियोलॉजी को लेकर उनको ये जो है कन्विंस करने में लग गए 2 साल। उसके बाद 8 साल है, इस मामले में जो है हजरत आयशा का ये कौल है, एक बहुत बुनियादी तौर पर वो कहते हैं, मा अरा रब्बका इल्ला सारियन हवा का, भाई जो है मतलब जब जब भी कुछ ऐसी बात होती तो आयशा का ये कहना है, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का ये कहना है, और डायरेक्टली वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रही, अरे भाई मैं तो तुम्हारे रब को ऐसा देख रही हूँ कि वो तुम्हारी जो है ख्वाहिशात के पीछे पीछे चलता है, तुम जो ख्वाहिश करते हैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक वही आ जाती है, ये हजरत आयशा का कहना है, मा अरा रब्बका इल्ला सारियन हवा का। ये हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने जो बात कही वो एक दिल लगी की सूरत में नहीं हो सकती है, दिल लगी नहीं है, उन्होंने कहा है बहुत अंदर की बात, रियलिटी कही जा रही है, ये नहीं रियलिटी नहीं, तो फिर उसके बावजूद भी वो हजूर सल्लम से क्यों उन्होंने शादी का रिश्ता निभाया? ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन नहीं था ना उनके पास, उनको बांध दिया गया भाई, उनके वालिद ने भी जो है, जाहिर बात है उनके लिए जो है जो आपसी जो रिश्तेदारी है कि इस तरीके से और मामला, और आगे चलकर जो है उनको खलीफा बनने का भी जो है एक चांस निकल गया था, हजरत उमर को भी हजरत अबू बकर को भी खलीफा बनने का चांस था, कि मुहाजरीन में इनकी शख्सियत जो है इनके शख्सियत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था, कई सियासी देखें सारा का सारा मामला पॉलिटिकल है भाई, इसमें रूहानियत इसमें अखलाकियात कुछ भी नहीं है, यानी अच्छा जी, मैं एक आज दूसरा आपको एक बात, आप हमेशा ईसा अलैहि सलाम को कैसे कोड करते हैं कि वो तो उनको तो बहुत सारे मुअज्जजे दिए गए थे, जैसे कि बचपन में उनको पालने में से जो बोलना सीखा था, और इंजील उनको अता किया था, बाद में आपका इनका ये कहना था कि वो मिट्टी के पुतले बना के उसमें धूप फूक के उसको जिंदा करते थे, और दूसरा आप अंधों को देखते करते थे और मुर्दों को, तो इतने सारे मुअज्जजा देने के बावजूद इनके हयाती में कुल कितने वो मोमिन बना सके? नहीं मोमिन बनाना उनका काम भी तो नहीं था ना भी, जाहिर बात नहीं काम नहीं था वो मोमिन बनाने का काम नहीं था, नहीं वो तो आप इसको आप क्यों छुपा देते हो, उनका उनका मकसद था कि अल्लाह की बात को पहुंचाना था, तो यहूदियों ने भी जो देखा ना कि इतने देखो वो जो जगह थी वो कीनान भी थी, कीनान था जेरूसलम इलाका था, और बाद में वो सारा इलाका यहूदियों से भरा हुआ था, तो इनको बचपन से इतने सारे करिश्मा देखने के बाद यहूदियों ने आज तक इनको रसूल क्यों तस्लीम क्यों नहीं किया? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं 13 साल में तो सिर्फ आपने बताया ना 80 से 90 लोग हुए थे, तो वो जब बचपन से ईसा अलैहि सलाम को जानने वाले और जब बड़े हो चुके नबूवत इनका क्लियर था, इनके सब सारे मौजूदे चल रहे थे, उसमें सिर्फ 12 जो इनके थे जो क्या बोलते हैं अंसार जैसे थे वही वो ईमान लाने में सफल हुए, और बाद में इनको तो वो यहूदियों ने इतने करिश्मे देखने के बाद इनको रसूल कहने के बजाय उसको उनको बास्टर्ड का लकब दिया, आज भी वो बास्टर्ड ही समझते हैं, तो कहां से ईसा अलैहि सलाम सक्सेसफुल नबुवत हुई? मैंने ऐसा कहा सक्सेसफुल मैंने कभी भी नहीं कहा,
मैंने कभी भी नहीं कहा। क्या कहते हो आप हमेशा? सुनो जरा सुनो, देखें मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। कुरान में जो कुछ बयान किया गया मैंने उसी को पेश किया है। मैंने ये नहीं कहा कि वो फला सक्सेसफुल है फला सक्सेसफुल नहीं है। मैंने यहाँ ये नहीं कहा कभी कि जो है ईसा सक्सेसफुल है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कुरान उनको फॉलो करने की बात करता है, उनके फॉलोअर्स को वो सुपीरियरिटी देगा, ये कुरान कह रहा है। अगर आप तारीख की रोशनी में देखना चाहें तो इस एतबार से अगर आप देखिए मेरी बात गौर से सुनिए, मैं यहाँ किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है तारीख की हकीकत आपके सामने रखूंगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो मैं कहूँगा तारीखी एतबार से जिसे मसलमा हबीब अलहनफी, जिसको आप लोग मुसैलमा अलकज़्ज़ाब कहते हैं, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ज़्यादा वो अट्रैक्टिव था। उसकी बातें शख्सी एतबार से भी, इल्मी एतबार से भी, अकली एतबार से भी, इस वजह से वो अपने जो है इब्तदाई दौर ही में 40,000 लोगों को अट्रैक्ट कर सका। तो इसका मतलब अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे तो आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सक्सेसफुल तो जो है वो जिसको आप मुसैलमा कज़्ज़ाब कहते हैं। समझ आई आपको बात? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब जब कुरान से मैं ये बात पेश करता हूँ कि कुरान का हीरो जिन बातों को लेकर मैं कहता हूँ कि कुरान जिन बातों को जोड़कर ईसा को जिस अंदाज में पेश करता है, इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि वो कुरान का हीरो है। क्योंकि देखें हीरो जो है ये नहीं होगा कि वो जो है लोगों के साथ, वो औरतों के साथ सेक्स करे, औरतों के पीछे रहे, शहवत के पीछे रहे, वो जो है हमेशा वायलेंस की तरफ जाए, लोगों से कत्ल क़िताल करे, लोगों से मार धाड़ करे, ये हीरो नहीं कहलाता। हीरो वो कहलाता है जिसके पास सारी ताकतें हैं, जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, जिसके पास सारे तसर्रुफात होने के बावजूद वो लोगों से न तो लड़ाई झगड़ा करे, ना लोगों से कत्ल क़िताल करे, ना लोगों का खून बहाए। मैं ये बात कह रहा हूँ, ईसा बाइबल के तौर पर कितने कामयाब हैं कितने नाकाम हैं ये मेरा टॉपिक नहीं होता। आप हमेशा ईसा अलैहि सलाम के फेवर में ये बताते हैं कि उनको जितने मौजजे दिए थे उसका थोड़ा एक भी मौजजा रसूल को नहीं दिया गया, तो इतने मौजजे नहीं है। मैं कहां मना करता हूं, लेकिन ईसा अलैहि सलाम को इतना देने के बावजूद ईसा अलैहि सलाम के यानी इतने सालों में कितने उनके ऊपर ईमान लाए? वो मैं क्या करूं, मेरा तो ईमान ईसा पर भी नहीं है ना, मैं तो ईमान यहां की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा ईमान यहां से नहीं है भाई। आप जब मेरे भाई सुन लीजिए, कुरान में जो कुछ आया है मैं वो पेश करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है ईसा पर मैं ईमान रखता हूँ, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। बल्कि तारीखी तौर पर मैं ये नहीं समझ सका कि ईसा नामी कोई शख्सियत मौजूद थी, मुझे नहीं मालूम। मैं चूंकि कुरान का स्टूडेंट हूँ, कुरान में जिन अल्फाज के साथ जिस अंदाज में ईसा को पेश किया गया, कुरान वाला होने की हैसियत से मैं उस बात को पेश करता हूँ। मेरा ताल्लुक मैं हर बार कहता हूँ, ना तो मेरा ताल्लुक ईमानिया से है, ना ईसाइयत से है, मतलब आप ना तो आदम की हयाती को मानते हैं, ना फिर नूह अलैहि सलाम की। बच्चों का काम है ना, नहीं, मेरे सामने आप इल्मी तौर पर पेश देखो मेरी बात सुनो, आप जब कुरान को एक कहानियों की किताब बताते हो ना, वो कहानी जो कुरान में जितनी भी कहानी है वो बनी इसराइल में और दीन इब्राहिमी में वो सारी की सारी कहानियां मौजूद है। अगर इस कुरान को आप, मेरी बात सुनो, आप कुरान को आप एक क्या बोलते हैं कि ऐसे कहानी किस्से यानी काल्पनिक कहानी बताते हैं, तो आप एक साथ में आप तीन 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 दिन वालों को आप यानी उसको तीन दिन वालों को झूठलाते, तुम यहूदी को भी झूठला रहे हो कुरान के साथ साथ, और ये ईसा की बाइबल और ये इंजील को भी झूठला रहे हो। हनी भाई देखिए बात क्या होती, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा ताल्लुक ईमानियात से नहीं है। मैं ना ईसाइत को मानता हूँ, ना बाइबल को मानता हूँ, ना ईसा को मानता हूँ, ना कुरान को मानता हूँ। मानने का ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक जानने से है। मैं स्टूडेंट हूँ कुरान का, क्योंकि मैं बचपन से कुरान पढ़ा हूँ, उस पर गौर किया हूँ, तदब्बुर किया हूँ, तो जो बातें मुझे लगती है मैं दुनिया के सामने पेश करता हूँ। मैं जो है बाइबल का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं बाइबल नहीं जानता। रही बात आप ये पूछेंगे कि भाई क्या ईसाइत सच्ची है, मैं कहूँगा ना। मेरे नज़दीक जितने अदियान और मजाहिब हैं सारे के सारे मैन मेड हैं, सारी मैन मेड है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरा ताल्लुक किसी ईमानियात से नहीं है। मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ कुरान का, कुरान में क्या है क्या नहीं है ये बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ भाई। जी मैं समझ गया कि आप कोई भी ईमानियत से बाहर है बिल्कुल, आपका आपके ऊपर में कोई ईमान से नहीं है मेरे नजदीक। मतलब आपने आपने ईमान का लिबास नहीं पहना है, तो आप यूं समझते कि मैं दूसरे जो ईमान है उसके ईमान के लिबास खींच लो और आपके जैसे सब बन जाए? मेरा काम नहीं है, मैं कहता हूँ कि ईमान एक अंधेरा है, मैं साफ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ ईमान एक अंधेरा है। आप ईमान आप ईमान के लिबास तो आप ईमान के लिबास को नहीं पहना है, आप ईमान के लिबास को नहीं पहना है तो आपकी क्या आपका क्या पोजीशन होगी? सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे नजदीक भाई मेरे नजदीक हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री करें, आपको राइट है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि ईमान एक अंधेरा है और इल्म एक रोशनी है। मैं चूंकि इल्म नामी रोशनी में हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो है लोग इल्म की तरफ आए, मानने की जगह जानने को जो है मतलब अहमियत दें, ये मेरी कोशिश है।
भाई उसके बावजूद आप मानने को ईमान नामी अंधेरे में रहना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है भाई, मैं आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो नहीं खींचूंगा ना। मैं जबान के जरिए से अपने जो है जो भी अपनी आर्ग्यूमेंट पेश करता हूँ भाई, आपको सही लगती है तो आप कबूल करें, नहीं लगती तो मेरी बातों का रद्द कर दें, बात खत्म हो गई, कोई झगड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, मैं दूसरा, अगर आप इस्लाम की तबलीग करने का अगर आप हक रखते हैं तो मैं इस्लाम पर तनकीद करने का हक रखता हूँ, आपको भी हक है मुझे भी हक है। ठीक है, वो मैं एग्री करता हूँ, आपका वो सवाल नहीं है, लेकिन जब आप ईमानियत को छोड़ के जब बात करेंगे तो आपको आपके ईमानियत के हम लोग क्या, आपके ईमान का आपके पास लिबास ही नहीं है तो हम कौन क्या चीज आपका खेचेंगे, आपके बदन पे कुछ आपके बदन पे तो कुछ है ही नहीं, तो आपके आपका हाथ हमेशा ऊंचा रहेगा, आपका बदन पे तो आपने कुछ कपड़ा भी नहीं पहना, ईमान का कपड़ा भी नहीं पहना है, तो हम किस तरह ये बचकाना बातें हैं। सुनिए, आपके पास ईमान है और मेरे पास इल्म है, मेरे नजदीक ईमान एक अंधेरा है और इल्म एक रोशनी है, मैं इल्म नामी रोशनी में खड़ा हूँ, और आप चाहते हैं कि आप ईमान नामी अंधेरे में, या आपकी अपनी चॉइस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी चॉइस है ना भाई, आप अपनी मर्जी से रहते हैं, ठीक है, मुझे मुझे आपके आपकी इस चॉइस पर एतराज नहीं है, मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मोमिन होता है असल में वो ईमान नामी अंधेरे में होता है, क्योंकि मोमिन होते हुए वो इल्म की रोशनी में नहीं आ सकता, क्योंकि ईमान उसको एक डब्बे में बंद रखना चिखाता है, वो बॉक्स के बाहर नहीं आ सकता, मतलब में आप लोगों को ईमान से निकाल के इल्म की रोशनी में ले जाना चाहते हैं, तो आपका ईमान नामी अंधेरे से इल्म की रोशनी की तरफ लाना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है भाई, आप अगर मेरी बात पसंद करते तो आप जो है आप मेरी बातों को कबूल न करें, मैं ऐसा बोलता हूँ कि लोग आपके इल्म के रोशनी की तरफ आप ले जाके जिंदगी का कौन सा मकसद आप लोगों को देना चाहते हैं, वो पहले बताओ भाई। मेरा मकसद है कि लोग यानी इल्म की रोशनी में रहें, उसके बाद वो क्या करना है वो खुद समझ जाएंगे। ईमान नामी अंधेरे में जब इंसान रहेगा तो उसको कुछ भी सुझाई नहीं देगा, ना कुछ दिखाई देगा ना सुझाई देगा, इल्म बजात खुद एक रोशनी है, उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना रास्ता निकालेगा, क्योंकि इल्म की रोशनी में आ जाता है, रोशनी में आ जाने के बाद में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इंसान कौन से इल्म की रोशनी की बात करते हैं, दुनिया में तो बहुत सारे इल्म है। सुनिए, जब ईमान से निकल जाएगा आदमी अंधेरे से तो खुद ब खुद वो रोशनी में आ जाएगा ना भाई, ईमान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका लॉजिक है, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक है, ना मानो भाई, मैं आपको जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या, आप नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को कन्वर्ट करा, आप जैसा इस्लाम में कन्वर्ट कराते हो ऐसा आपका भी एक कन्वर्ट कराने का एक मकसद है। कन्वर्ट कराने का तो मेरे पास भी कोई जो है कलिमा शहादत होता, मैं किसी को जो है मेरा अपना खुदा होता, नहीं वो आपका, आप लोग आपका कलमा पढ़े, लोग आपका कलमा पढ़े वाहवाही का, ऐसा ऐसा कोई जो है मैं कभी भी ऐसा नहीं बोला, आज तक मैंने किसी को ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लोग मानने की जगह जानने को इम्पोर्टेंस दें, पहले जाने फिर माने, ये मेरा हमेशा ही कहना है। लोग उस पर अमल करेंगे तो उनको जो है वो कुरान का मुताला करेंगे, वो तारीख का मुताला करेंगे, वो अपने अकीदों का जो है परखेंगे जांचेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि ऐसे ऐसे जो है बेबुनियाद अकीदों को कबूल करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फैसला लोगों का होगा भाई, ये फैसला मेरा नहीं है ना, मैं फैसला नहीं करूंगा। आपका आपका मुहिम ये क्या ये कामयाब होने की संभावना आपको लगती है? कामयाब है तो जो मेरा काम जो है जीते जी, मैं जब तक जीता रहूंगा मैं लोगों को इल्म की रोशनी जो है देता रहूंगा, लोग कबूल न करें ना करें वो उनकी मर्जी। ठीक है, आपका आप दूसरा जो इस्लाम जो तलवार के बेस पे फैला है, तो आप ये एक चीज को मेरा आपका कहना है कि ये हकीकत भी है, आप जो बोल रहे हैं वो उसमें मैं एग्री हूँ, और जो दूसरे स्कॉलर भी बोलते हैं कि इस्लाम का प्यार आते हैं हमारे हनी भाई देखिए, हमारे प्यारे हनी भाई, मेरे हरदिल अजीज, बहुत ही जो है बहुत मुअज्जज हमारे हनी भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, देखिए आप जो है आप हर बार आते हैं मेरी बातों से एग्री भी करते हैं, उसके बावजूद आप ईमान नामी अंधेरे में रहना चाहते हैं, या आपकी अपनी एक जो है एक अजीब चॉइस है आपकी, ठीक है भाई आपकी चॉइस, आपका ईमान सलामत रहे, आपकी चॉइस, आपको मुबारक हो। मैं आपके पार्शियल देखो कुरान वाला जी, मैं आपकी पूरी बात से सहमत नहीं होता हूँ, आपका टेक्निकल और रिसर्च जो बेस है वो मेरे को एक वो बेस बनता है मेरे लिए सोचने के लिए, कि जो आप जो सोच आप रख रहे हैं उसके अंदर में जो हक बात है वो हक बात आप खा जाते हो, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। सुनिए, अच्छा मुझे दुनिया में कोई ऐसे आदमी का नाम बताएं जिसकी पूरी बातों को सब लोग कबूल करते हैं, कोई ऐसा आदमी है ऐसा आदमी? ऐसा आदमी तो देखो, ऐसा आदमी तो हम लोग तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानते हैं कि वो ही उनके उनका अपना वजूद ही साबित नहीं है कुरान से, यार क्या बातें कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उनका वजूद नहीं है, वो वजूद है वो आपको वजूद को आपको नहीं दिखाएगा, आपको अल्लाह ने गुमराही में रखा है, आपका बहुत सोच समझ के आपने रखा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अल्लाह ने जिस अल्लाह को आप मानते हैं उसने मुझे गुमराही में रखा, तो मेरे लिए ये गुमराही मुबारक हो,
और आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जिस अंधेरे में हैं वो आपके लिए नेमत है, तो आपका ये अंधेरा आपको मुबारक। बस खत्म हो गया, झगड़ा कुछ भी नहीं है ना, कोई झगड़ा नहीं है। चलो ठीक है, आप यहाँ आते हैं बड़ी मोहब्बत से आते हैं, बड़े इज्जत से है मैं आपसे पेश आता हूँ। नहीं नहीं, आप भी मुझे सुनते हो, उसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे को आप सहन करते हैं ऐसे हिंदी भाषा में बोलेंगे। सुनिए, एक अच्छे इंसान की तरह, ठीक है आपके और मेरे दरमियान नजरियाती इख्तलाफ जरूर है, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी देखा कि मैं किसी के साथ बदतमीजी से बदकलामी से पेश आता हूं? नहीं ना। और इसी तरह से आप भी बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी कदर करता हूं। आप सच वाला के नाम से चैनल चलाते थे, मैं कभी नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे ग्रुपिंग में एक दूसरे को मजाक ठट्टा करते थे, तो आपने अलग हटके अपना चैनल बनाया, इसीलिए मैं और आपकी जो तहजीब देखने के बाद ही मैं आपके पास आपके चैनल पे आते रहता हूँ। मैं आपको बड़ा एहतराम वाला आदमी समझता हूँ, आप जो है मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और ठीक है इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बहरहाल हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहेंगे, बात चलती रहेगी, मुकालमे का सिलसिला चलते रहना चाहिए जब तक हम जो है जिंदा हैं। अब रही बात ये जो है अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी ईमानियात हैं, ठीक है भाई, वो मैं आपका ईमान छीनूंगा तो ना, मुझे तो ये अख्तियार नहीं है ना, मैं आपका ईमान छीन नहीं सकता। मैं अपनी बात अपना आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख सकता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरा आर्ग्यूमेंट में कहीं कोई जान है तो ठीक है आप उसको एक्सेप्ट करें, नहीं लगता है तो उसको रद्द कर दें, आपको अख्तियार है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हनी भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमारी नोक झोंक भी हो जाती है, लेकिन बहरहाल फिर भी हमारे हमारे मन हमारा मन मुटाव नहीं होता, हम अपने दिल पर कोई बात नहीं लेते, और जो है अपनी बातें हम जारी रखेंगे ताकि सुनने वालों को इससे फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए, हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।